अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैदराबादी मसाला बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको बिरयानी बनाना नहीं आती है, हैदराबादी बिरयानी बनाना नहीं आती है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कि आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बिरयानी कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है आपको। मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको बताऊंगी कि आप हैदराबादी बिरयानी फर्स्ट टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैसे बना सकते हो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ लिया है, गोश्त लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें मैं एक कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने दही 100 ग्राम लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1.5 चम्मच मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी। डेढ़ चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। आधा कप मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। आधे से थोड़ा कम मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। हैदराबादी बिरयानी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पुदीना और हरा धनिया भी इसमें ऐड करना है। एक चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इस पर एक ढक्कन ढककर 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद हम आगे की तैयारियां शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने पानी ऐड किया है। ध्यान रहे, हमें पानी नॉर्मली आप जो चावल बनाते हो ना, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें चावलों को निथारना है ना। मैंने इसमें 4 लौंग ली है, 4 काली मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता लिया है, 2 सफ़ेद इलायची ली है और 4 हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने नमक का भी इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे, हमें चावलों को निथारना है ना, इसलिए हम नमक थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैंने चावल को अच्छे से वॉश करके आधे घंटे पहले इसे भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। पानी में अच्छा सा उबाल आने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैं एक बार आपसे फिर कहूंगी कि ध्यान रहे, यहाँ पर हमने पानी और थोड़े से नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, क्योंकि हम चावल को पानी में से निथार लेंगे। देखिए, वन साइड में चावल बन रहे हैं हमारे, सेकेंड साइड में ना हम बिरयानी की ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया था, वो मैं उसे ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा अनियन ना इसमें से निकाल कर अलग रख दूंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अनियन निकाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद मैं सिर्फ 1 मिनट इसे पकाऊंगी। एक मिनट बाद हमने जो
मैरिनेट किए हुए गोश्त को रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। गोश्त को इसमें ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट हमें इसे पकाना है, क्योंकि हमने गोश्त को पहले से ही कुकर पे सौंफ, हरा धनिया, सॉरी सौंफ और धनिया और थोड़ा सा तेज़पत्ता डालकर मैंने इसे उबाल लिया था। आधा पकाया था मैंने, आधा तो हम यहाँ पर पकाएंगे ना। ध्यान रहे हमें इसे सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है, अच्छे से चलाते हुए पकाना है ताकि हमारे मसाले बर्तन में लग ना जाए। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। दो मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने मिक्सी में पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। अब मैं उसका प्योरी इसमें ऐड कर रही हूँ, पेस्ट प्योरी एक ही होता है। सिर्फ 1 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। 1 मिनट बाद मैंने कुछ काजू बादाम लिए थे, उसको मिक्सी में पेस्ट तैयार कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। ध्यान रहे मैंने 1 मिनट जिंजर गार्लिक का पेस्ट पकाया था, 2 मिनट मैंने हमारा जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो पकाया है, और 1 मिनट मैंने टमाटर को पकाया है, 1 मिनट मैं काजू बादाम का जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना उसको पकाऊंगी। अच्छे से चलाते हुए आपको पकाना है। एक मिनट बाद मैं यहाँ पर 3 चम्मच फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये घर की तैयार की हुई फ्रेश क्रीम है, आप चाहें अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से भी लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे भी 1 मिनट ही पकाना है। 1 मिनट के बाद ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पे ढक्कन ढककर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने जो चावल हमारे तैयार किए थे ना उसको मैंने अच्छे से एक छलनी में छानकर उसका सारा पानी निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैं पहली लेयर चावल की लगाऊंगी। आधे चावल की लेयर मैं पहले लगा रही हूँ, बाकी के जो आधे चावल है ना उसकी लेयर मैं बाद में लगाऊंगी। चावल की लेयर मैंने लगा दी है, अब इसके ऊपर जो ग्रेवी हमने तैयार की है ना उसकी लेयर मैं लगा रही हूँ। ग्रेवी की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, ग्रेवी के ऊपर मैंने आधा कप पानी डाल दिया था। अब उसके ऊपर जो हमारी चावल रखे हुए थे ना उसकी लेयर में लगा रही हूँ। चावल की लेयर मैंने लगा दी है, अब मैं इसके ऊपर जो प्याज हमने रखी थी ना वो ऊपर से रख रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया रखूँगी, थोड़ा सा पुदीना रखूँगी। हरा धनिया और पुदीने से ना बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। मैंने थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल किया है, फूड कलर मैंने इसमें डाला है, फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केवरा वाटर का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन ढक दिया है, अब मैं एक पत्थर इस पर रख रही हूँ। दो मिनट में पहले इसे डायरेक्ट पकाऊंगी, फिर 2 मिनट के बाद मैं इसे
स्लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम बिरयानी को चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बिरयानी भी बनकर तैयार हो चुकी है। ग्रेवी के साथ चावल की लेयर कितनी अच्छी लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिरयानी बन के तैयार हुई है। चलिए मैं अभी से आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने रायते के साथ में सर्व किया है। रायते को कचूमर भी कहते हैं। कचूमर के साथ में मैंने इसे सर्व किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी बताने का तरीका कैसा लगा। मैं और भी ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे वीडियोस वॉच करते रहें।